मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज साइंस क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एक्टिविटी 4। सो लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 4। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है और इस गहरी सांस को होल्ड करके रखना है। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। आपको फील करना है अपने बोन को, चेस्ट बोन को एंड बैक बोन, पिछली बोन को प्रेस करके चेस्ट के और बैक के बीच में एक साथ। आपको अपने चेस्ट के बीच में और बैक बोन के बीच में एक साथ प्रेस करना है। काउंट एज मैनी रिब्स बैक बोन ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। फिगर ऑब्जर्व फिगर 8.9 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। आपको काउंट करना है रिब केज को, ठीक है, जो भी रिब केज में हड्डियां दी हैं उन्हें काउंट करना है और कंपेयर करना है व्हाट डू यू फील, क्या आपने फील किया अपने चेस्ट बोन में। यू सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। यू सी, आपने देखा कि रिब्स जो है एक क्यूरियसली बेंट है। दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन, वे एक दूसरे चेस्ट बोन से और बैक बोन से जुड़े हुए टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, और वो एक बॉक्स बना रहा है। आपका जो चेस्ट का रिब केज है, चेस्ट की बोन है और जो बैक बोन है वो आपस में मिलके एक बॉक्स बना रहा है। दिस इज कॉल्ड रिब केज, इसे रिब केज कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आर बॉडी लाई प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जैसे कि लंग्स, हार्ट, ये इनको प्रोटेक्ट करता है रिब केज। एज आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज, अपने कुछ दोस्तों से उनके टोज़ को टच करने के लिए बोलिए। विदाउट बेंडिंग यू देयर नीज, बिना घुटने को मोड़े हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। स्टार्टिंग से लेके यानी कि नेक से लेके आप अपनी उंगलियों से उनके पीछे तक ले जाएं, अपने दोस्त के पीछे तक ले जाएं। व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन, आपने क्या फील किया बैकबोन के बारे में। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, ये कई सारी छोटी स्मॉल बोन्स से बनी हुई हैं। फिगर 8.10 द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, जो रिब केज होती हैं वो इन्हीं बोन्स से जुड़ी होती हैं। इफ़ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर आपका जो बैक बोन है वो केवल एक हड्डी से बना होता तो क्या आपके फ्रेंड जो है वो अपने इसको बोन को बेंड कर पाते, बेंड करने में सक्षम होते। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद अ हैंड प्रेस्ड टू द वॉल एंड पुश टू वॉल एंड ट्राई टू पुश इट। अपने दोस्तों से बोलिए कि वो दोनों हाथों से किसी वॉल को पुश करें। डू यू नोटिस टू बोन्स स्टैंडिंग वेयर द शोल्डर्स आर। आप दो अलग अलग बड़े बड़े बोन्स को देखेंगे, नोटिस करेंगे। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन, इन्हें हम शोल्डर बोन कहते हैं, जैसे कि फिगर 8.11 में दिया है। ऑब्जर्व फिगर 8.12 केयरफुली, आप 8.12 को अच्छे से देखेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पैल्विक बोन, इन्हें हम पैल्विक बोन कहते हैं। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो एंड स्टमक, ये आपके निचले पोर्शन में होते हैं पेट के नीचे। दिस इज द पार्ट यू शिट ऑन, ये वो पार्ट है जिसकी वजह से आप बैठ पाते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, फिगर 8.13। जो स्कल बोन है वो कई सारी छोटी हड्डियों से के साथ जोड़ से बना हुआ है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन, ये इनक्लोज करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है जिसको कहते हैं हम ब्रेन। वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आर स्केलेटन, हमने बहुत सारे बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा हमारे जो हमारे स्केलेटन में हैं। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन एंड विच कैन बी बेंट। हमारे स्केलेटन में कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं जो
बहुत ज्यादा ना तो हड्डियों की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही मुलायम होते हैं, जो कि मुड़ भी सकते हैं। हड्डियों की तरह इतने ज़्यादा हड्डियों की तरह ही दिखते हैं लेकिन वो मुड़ भी सकते हैं। दे आर कॉल्ड कार्टिलेज, इन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं या फिर उपास्थि कहते हैं। फील योर ईयर, अपने कान को फील करो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट, कैन यू फाइंड, क्या आपने पता किया कि कोई हार्ड बोनी पार्ट आपके कान आपके पास है जो कि बेंट हो सकता है। फिगर 8.14, देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर, आपको नहीं लगता यहाँ पर कोई बोनी पार्ट होगा या बोन्स होंगे, बोन की तरह समझ में आ रहा होगा। डू यू नोटिस एनी थिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट, क्या आपने नोटिस किया कुछ चीज़ अलग सी चीज़ जो आपके ईयर के लोब में या निचले भाग में या ऊपर के पोर्शन में है, जैसे कि फिगर 8.15 दिया है। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, जैसे कि आपने प्रेस किया अपने फिंगर से कान के ऊपरी भाग को और नीचे वाले भाग को। डू यू फील सम थिंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, आपने इसे ऊपर वाले पार्ट को फील किया जो कि बहुत कठोर है और नीचे वाले पार्ट को किया जो कि थोड़ा सा मुलायम है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हड्डी की तरह जो ऊपर वाला भाग है वो हड्डी की तरह इतना हार्ड नहीं है लेकिन इतना ढीला भी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। दिस इज़ कार्टिलेज, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं जो कि ना तो हड्डी है और ना ही कोई मुलायम सॉफ्ट पार्ट है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, कार्टिलेज जो होता है हमारी हड्डियों के जॉइंट्स में भी पाया जाता है। वी हैव सीन दैट, हम देख चुके हैं कि आर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, हमारा स्केलेटन बहुत सारी हड्डियों से बना हुआ है, जॉइंट से बना हुआ है एंड कार्टिलेज से बना हुआ है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम, आप उसे फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं उनमें से कईयों को। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, आप एक बहुत सुंदर सा आपको स्केलेटन बनाना है अपनी नोटबुक में, बहुत अच्छा सा बनाना है उसे, ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, हमने पढ़ा अपने हड्डियों के बारे में, अपनी हड्डियों के बारे में बॉडी की जो कि हेल्प करते हैं हमें मूव करने में अलग अलग भाग में। फिर इसके बाद क्या है, वॉट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू, क्या बनाते हैं बोन्स हमें अलग करने के लिए, वेज दे डू करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेट अस फाइंड आउट, चलो फाइंड करते हैं। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, आपको एक हड्डी एक मुट्ठी बनानी है अपने एक हाथ से। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, आपको बेंड करना है, मोड़ना है अपने आर्म को एल्बो से और टच करना है अपने शोल्डर को थंब से। फिगर 8.16 में जैसे दिया हुआ है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, आप क्या आप कोई चेंज देखते हैं अपने अपर आर्म में, आर्म के ऊपरी भाग में, जैसे कि 8.16 में दिया हुआ है। टच इट, इसे छुएं विद द अदर हैंड, दूसरे हाथ से छुएं। डू यू फील ए स्वेलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म, क्या आप कोई फूला हुआ भाग देखते हैं अपने अपर आर्म में। दिस इज मसल, ये क्या होता है, ये मसल्स होते हैं, सॉरी इन्हें हम मसल कहते हैं। द मसल्स ब्लज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, जो मसल होता है वो उभर आता है एक जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसे बनाते हैं। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, ये लंबाई में थोड़ा छोटा होता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, अब अपने आर्म को एक नॉर्मल पोजिशन में ले आएँ। वॉट हैपन टू द मसल्स, क्या हुआ मसल्स के साथ, इज इट स्टिल कंस्ट्रक्टेड, क्या अभी भी ये बना हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल इन योर लेग वैन यू वॉक और रन, आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरीके का जब आप वॉकिंग करते हैं या रन करते हैं अपने पैरों के मसल्स में। वैन कंस्ट्रक्टेड, जब ये कंस्ट्रक्ट होता है द मसल्स बिकम शॉर्टर, मसल्स छोटा हो जाता है, स्टिफर एंड थिकर, बहुत कड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है। इट पुल्स द बोन, ये बोन को खींचता है। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। वैन वन ऑफ देम कंस्ट्रक्ट, जब उनमें से एक कंस्ट्रक्ट होता है बनता है, द बोन इज पुल्ड, तब जो हड्डी होती है वो खींची जाती है।
इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में हड्डी खिंच जाती है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, और जो दूसरा वाला मसल होता है वो रिलैक्स पोजिशन में होता है। टू मूव द बोन इन द पोजिशन डायरेक्शन, जब बोन मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, द रिलैक्स्ड मसल कंस्ट्रक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो रिलैक्स वाली जो मसल होती है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, बोन को खींचती है अपनी तरफ, ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, जबकि पहली वाली होती है वो रिलैक्स पोजिशन पर हो जाती है। आ मसल्स कैन ओनली पुल, और मसल केवल पुल होती है, पुल हो सकती है। इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं हो सकती। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, इस तरह दो मसल्स एक साथ काम करती हैं। टू मूव अ बोन, जब बोन जो होती है मूव करती है, जब बोन मूव करती है तो दो मसल्स एक साथ काम करती है। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स दोनों ही ज़रूरी होती हैं मूवमेंट के लिए। हाउ डू अदर एनिमल मूव, कैसे दूसरे जानवर मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल हैव बोन्स, क्या सभी जानवरों के पास बोन्स होते हैं। वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, अर्थवॉर्म और स्नेल्स के बारे में क्या जानते हैं, कैसे वो करते हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स, चलिए स्टडी करते हैं कुछ ऐसे ही मूवमेंट, जानवरों के मूवमेंट के बारे में, उनके चाल के बारे में। टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 5, अर्थवॉर्म। थैंक यू, हैव अ नाइस।